और ताकि वो देखे ना बिल्कुल और ये हिल भी नहीं रही। हाँ। कि वो ये इसका बेबी है देखो ये बाकी ये को मारती है। हाँ ट्राई कर लेते बेबी है ये 9 से 10 डेज का और ये सुबह जब मैं आया हूँ तो ये लेग्स पे खड़ा नहीं हो पा रहा था तो अब हम सोच रहे हैं कि हम इसको थोड़ा सा गुड़ खिलाएं। ये गुड़ है स्वाग भी ये गुड़ थोड़ा सा इसको पीस कर ये चटाते हैं और ये इसकी मदर खड़ी है। और अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप कैसे हैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और इस वाली बकरी का ये बेबी है इसको गुड़ खिला रहे हैं ताकि अगर इसको थोड़ा सा अगर हवा वगैरह लगी है क्योंकि कल बारिश हुई थी यहाँ पे वो बड़े शौक से खा रहा है तो चलो खिला देते हैं इसको। और ये ब्लैक कलर का है और काफ़ी क्यूट है। और अकील आप कह रहे थे कि जो ये वाले बेबी हैं इसको इसकी जो मामा है वो उसका उसकी फीड करवा दें। हाँ मैं कहा हाँ इसकी मामा फीड करवा देते हैं ये थोड़ा सा ना इसका पेट खाली है। हाँ इस वाले बेबी का जो पेट है वो खाली है और जो इसकी माँ है वो अंदर है और इतना दूध भी नहीं उतार रही फिलहाल तो हम सोच रहे हैं कि इसका एक ही बेबी है तो क्यों ना इस वाली बकरी का हम इसी को दूध ला दें। तो ये आज हम एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं तो अकील आप इसको छुपा लो वरना ये मारेगी यार। ठीक ये वही ये उठा लो एक और ये मैं साथ ही खड़ा हूँ ताकि ये देखे ना पीरी सॉरी ये मेल है नहीं पी लो यार ये हमने वैसे वो ट्राई किया था कि ये पी लें क्योंकि ये भूखा है तो हाँ इसका तो पेट फूल है ये देखो बैली से फील हो रहा है ये थोड़ा सा इसका पेट खाली था और अच्छा मैंने वो इसको ना इस्तेमाल कर रही है सूंघ रही है वैसे कि वो ये इसका बेबी है देखो ये बाकी एक वो मारती है। हाँ ट्राई कर लेते ये पकड़ लिया और जाओ ले करो उसको अकील कह रहे नहीं इसको पलाने ही पलाने यहाँ से पला देते हैं कोशिश पिएगा यार इसके मुंह में करोगे ना मुँह से ना वो टायर बंद किया। हाँ आप पीना शुरू नहीं पी रहा कि इसको पीना चाहिए यार कल तो इसका जो भाई था वो तो पी रहा था यार पी रहा इसको इसकी मदर के पास लेकर चलते हैं इसको उठाओ देखते हैं कि वो पीता है नहीं। हाँ अच्छा सेट पे जो तो यहाँ पे ये इसकी मदर खड़ी है ये यहाँ पे और हम वहीं पे जा रहे हैं और आपको ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ये खड़ी है सामने ये सामने खड़ी है यार ये मुंह बड़ा टाइट करके इसने बंद किया हुआ इसको ऊपर ये पहचान लिया देखिए पी रहा है ये यहाँ से तो पी रहा है ये मुझे लग रहा है कि ये ब्रीड अच्छी वाली है जो इसको इतनी पहचान है अपनी मदर की ये इसी की फीड कर रहा है तो पहले हमने बाहर ट्राई किया था तो उसने बिल्कुल भी फीड नहीं की और ये राजनपुरी फीमेल है और अभी इसको हम इसकी हमने वो हमने वाश नहीं किया बाथ नहीं करवाई इसकी क्योंकि अभी कल बारिश थी तो मौसम थोड़ा सा ठंडा ही था और वो उसका भी पी रहा आगे भी जाके उसने पिया। हाँ दोनों साइडों से पिया। हाँ लेकिन बाहर वाली बकरी का उसने बिल्कुल भी नहीं पिया। हाँ। और ये अकील बेबी लेकर आ रहा है ये इसकी जो माँ है उसके 3 बेबीज हैं तो वो फीड नहीं पूरी करवा सकती तो हम सोच रहे हैं कि जिस बकरी ने दूध उतारा वह ज़्यादा तो हम इसको उसका दूध पिला दें क्योंकि उसका ये पिला दें। हाँ। इसका इसमें जो वो दूध है वो ज़्यादा है मिल्क तो ये मैं पकड़ता हूँ चलो आ जाओ ये पिएगा आप खुद ही पी रहे खुद ही और क्या कर रहे हो आराम से इसको इतनी पहचान है कि इसको उठा लो यार नहीं खड़ी हो पा रही ये बहुत ज़्यादा तेज़ बकरी है और इसका नाम हम सोचेंगे कि क्या रखना है ट्राई करो इसको ना
या क्या, एक मिनट आप कैमरा पकड़ोगे? हाँ पकड़, ये पकड़, ये बकरी भी पकड़ो, ये अब हम मैं ट्राई करने लगा। ओ ये पी रहा है यार, ये अभी तो पूरा पी रहा है। अच्छा ठीक हो, गुड हो गया, वेरी गुड। बकरी को पकड़ के रखना है, ये थोड़ा सा वीक था क्योंकि ये तीन बेबीज हैं एक ही बकरी के, तो हम सोच रहे हैं कि अगर इसका एक बेबी है तो इसको भी साथ इसको दूध पिला दें ताकि ये भी हेल्दी हो जाए और इसको वीकनेस ना हो। बड़ी खुशी खुशी पी रहा है कि दूसरा भी जो है वहां से भी खुद ही पी रहा है। हाँ पी रहा है, और ये एक्सपेरिमेंट भी काफी अच्छा हुआ है। देखो ये कीले कैसे पकड़ी को पकड़ा हुआ ताकि वो देखे ना, बिल्कुल और ये हिल भी नहीं रही। हाँ कि चले अब छोड़ दें, थोड़ा सा रहने दो उसमें, चलो अभी पीने दो यार, चलो पी तो लिया इसने काफ़ी, छोड़ दो वाला। आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? हाँ चलो पीने दो। तो इस बेबी को हमने गुड़ दिया थोड़ा सा ताकि जो इसका अगर उससे कोई प्रॉब्लम है, इसको हवा लगी है, ठंड लगी है तो, या फीवर है तो वो गर्म होता है तो वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। देखें क्योंकि मुंह से दूध भी बाहर आ रहा है, चलो आप पेट भर के पीने दो, चलो आप छोड़ दो छोड़ दो, पी लिया यार। अब तो ये हैप्पी है, देखो अब इसकी हरकतें देखो, ये फिर उधर जा रहा है जानबूझ के, अब ये जाएगा तो बकरी इसको लाजमी मारेगी, वो अपने बेबी के पास चली गई है। और ये मिखी चीनी बकरी है, ये हम लेकर आए थे मंडी से, लेकिन उस भाई ने कहा था ये एक महीने तक बच्चे दे देगी, लेकिन ये बिल्कुल खाली थी, इसने नहीं दी, तो यहाँ पर आके अब इंशाल्लाह देगी। और यहाँ पर भाई पट्ठे डाल दिए हैं इशफाक भाई ने, और जिस बकरी का हम दूध पिला के लाए हैं ये पहले वाली जो ये बच्चा है ये उसी का, और ये फीमेल है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, सब अपना ख्याल रखिएगा।